यह मन स्थिति को शांत करता है, मन की चंचलता को शांत करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। कोहनी सीधी रहे, आपकी उंगलियां ना खुलें। कुछ देर इस मुद्रा में रुकने के बाद धीरे धीरे सांसों को सामान्य करते हुए हाथों को पार्श्व भाग से खोलें और सावधान खड़े हो जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। आसनों के चक्र में अगला आसन पाद हस्त आसन। पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ, हाथों से पैरों को छूने वाला आसन। सभी साधक अपने स्थान पर सावधान खड़े हों तो संतुलन के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का अंतर हो। सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे की ओर से हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और थोड़ा शरीर को ऊपर खींचें। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। आपके हाथों की उंगलियां पैरों की उंगलियों को स्पर्श करती हुई हो। गर्भावस्था में, कमर दर्द की स्थिति में, स्लिप डिस्क की स्थिति में इस अभ्यास को ना दोहराएं।